अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों आज हम पढ़ेंगे विषय मराठी, पाठ क्रमांक 16, चतुर कासव। कासव किसे कहते हैं बच्चों? ये देखिए, ये तस्वीर है कासव की। कछुए को मराठी में कासव कहते हैं, चतुर कासव। यानी बच्चों हम आज चालाक कछुए की कहानी पढ़ेंगे। ऐ का समझुन गया मना, सुनो समझो और बोलो। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इस कहानी को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें कई कई जगह पर इस तरह से तस्वीर दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों, इन तस्वीर के नाम बोलना है। जैसा कि यहाँ पर एक दिवस, ये किसकी तस्वीर है? कासव की। तो हम पढ़ेंगे, एक दिवस कासव जंगला कड़े निघाले। इसी तरह से बच्चों हमें पूरी कहानी पढ़ना है। त्याला कोल्हा दिसला, ये तस्वीर किसकी है बच्चों? कोल्हा की। कोल्हा लोमड़ी को मराठी में कहते हैं। कोल्हा त्याच्या दिशेने येत होता। कासव घाबरले। कासवान ने आपली मान व पाय कवचात ओढून घेतले। कोल्याने कवच पाहिले, आपल्या पायाने कवचाला ओरखडले। कोल्याला वाटले, हा तर दगडच आहे। कोल्हा पुढे निघून गेला। कासवाने हळूच मान बाहेर काढली, ते पाण्यात शिरले। कासवने कोल्याला आवाज दिला, कोल्याने मागे वळून पाहिले। तो स्वतःशीच म्हणाला, अरे रे शिकार हातची गेली। तो चलिए बच्चों, अब हम इस कहानी को उर्दू में समझेंगे। एक दिवस कासव जंगला कड़े निकाले। एक दिन जो है बच्चों, कछुआ जंगल की तरफ निकला। त्याला कोल्हा दिसला। कोल्हा किसे कहते हैं बच्चों? लोमड़ी को। तो कासव जब जंगल की तरफ निकला तो उसे वहां पर लोमड़ी दिखी। कोल्हा त्याच्या दिशेने येत होता। लोमड़ी कछुए की तरफ ही आ रही थी, यानी कछुआ जो दिशा में जा रहा था, लोमड़ी भी वही दिशा में आ रही थी। कासव घाबरले, कछुआ घबरा गया। कासव ने आपली मान वो पाए कवचात ओढून घेतले। फिर कछुए ने क्या किया बच्चों? उसने अपनी गर्दन और पैर अपने खोल के अंदर इस तरह से छुपा लिए। कोलियान ने कवच पाहिले, फिर लोमड़ी ने इस कॉल को देखा। आपल्या पायाने कवचाला और खड़ले। फिर बच्चों लोमड़ी ने क्या किया? अपने पैर से इस कॉल को धक्का दिया। कोलियाला वाटले, हाथर दगड़ चाहे। लोमड़ी को लगा, ये तो पत्थर ही है। कोल्हा पुरे निगुन गेला, और फिर लोमड़ी आगे चले गई। कासवा ने हरूच मान बाहर काढ ली, ते पानियात छिड़ले। फिर लोमड़ी आगे चले गई तो कासव ने क्या किया? हल्लू से अपनी गर्दन जो है खोल में से बाहर निकाली और वो पानी के अंदर चला गया। कासवा ने कोलियाला आवाज दिली, और पानी के अंदर जाकर फिर कछुए ने लोमड़ी को आवाज दी। कोलियान ने मागे वड़ून पाहिले, तो स्वताशीच मनाला, अरे रे शिकार हाथची गेली। फिर बच्चों कछुए ने लोमड़ी को आवाज दिया तो लोमड़ी ने पीछे पलट कर देखा और अपने आप से कहा, अरे रे शिकार तो हाथ से चला गया। तो इस तरह से बच्चों आज हमने चतुर कासव की कहानी पढ़ी। अल्लाह हाफिज़।